नमस्कार दोस्तों, आइए जानें कि गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि गणेश जी के जन्म दिवस यानी गणेश चतुर्थी पर हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो गणेश जी कुपित हो जाते हैं और हम पर झूठे आरोप लग जाते हैं। यह सब हुआ जब चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर घमंड था और उसने गजमुखी गणेश जी का अपमान किया। इसी कारण गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया। आइए जानें इसकी कथा। एक बार श्री गणेश जी रात्रि के समय अपनी सवारी मूसक पर बैठकर किसी जगह से भोजन करके आए थे। बहुत सारे लड्डू खाने से उनका उदर ज़्यादा ही बाहर निकल गया था। वे अपनी सवारी पर अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे थे। यह सब आसमान पर चंद्रमा देख रहा था। उन्हें यह नज़ारा देखकर बहुत हंसी आ रही थी। रोकने के बाद भी उनकी यह हंसी नहीं रुकी तो वे जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगे। तब यह सब गणेश जी ने देखा। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा चंद्रमा ने अपनी सुंदरता के अभिमान के कारण उनका उपहास किया है। क्रोधित होकर उन्होंने उसी क्षण चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें जिस चांदनी पर घमंड है वो अब से कालिमा में बदल जाएगी। देखते ही देखते चंद्रमा काले हो गए। उन्हें अपनी भारी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा मांगने लगे। तो गणेश जी ने उन्हें क्षमा किया और कहा कि मेरे श्राप के प्रभाव से पूर्ण कालिमा के पश्चात तुम धीरे धीरे अपनी चांदनी को प्राप्त करोगे, पर मेरे जन्म दिवस अथवा गणेश चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर दोष लगेगा।